बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मानव श्रृंखला को लेकर आज जिला प्रशासन में भी खासा उत्साह देखने को मिला। एक ओर जहां मानव श्रृंखला में निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं और सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिस्सा तो जरूर लिया, लेकिन इसके माध्यम से भी CAA और NRC का विरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने इस मानव श्रृंखला को पूरी तरह से सफल बताया है। हम जदयू एवं जदयू के बिहार प्रांत के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के एवं भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य घटकों के साथ यह मानव श्रेणी में संदेश देना चाहते हैं कि जल जीवन जंगल और जल जीवन हरियाली का एक व्यक्ति के पास में एक बोध होता है कि जल भी रहे, जीवन भी रहे, जंगल भी रहे, जीव जंतु भी रहे, पानी भी रहे, हवा भी रहे और सब स्वच्छ रहे। इसी के लिए मानव श्रृंखला के रूप में हम संकेत देना चाहते हैं या माध्यम से मानव पटल पर संदेश देना चाहते हैं, यह रहेगा तब जीवन रहेगा, ये अगर तीनों नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पहल किया है वो काफी सराहनीय है। आज बिहार पूरे विश्व को जलवायु परिवर्तन को लेकर व्यापक संदेश दे रहा है। देखिए, पूरे विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित है और इसमें अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है जन जागरूकता के लिए और सरकार के स्तर पर जो भी जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम या अन्य सामाजिक मुद्दे जिसको कि बिहार सरकार की प्राथमिकता में है, बिहार को समृद्ध बनाना है तो ऐसे सामाजिक समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, जैसे शराबबंदी है, दहेज उन्मूलन है, बाल विवाह प्रथा जो बिहार में बहुत और देश में चल रहा था उसके खिलाफ एक जन आंदोलन हो, जन जागरूकता हो, इसके लिए ये मानव श्रृंखला, विशाल मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं बिहार में है। इसके माध्यम से बिहार के आम आवाम को सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक बड़े जागरूकता अभियान के रूप में देखा जा रहा है और हमें विश्वास है कि बिहार की जनता और अपने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो ये काम हो रहा है बिहार में, जल संरक्षण का हो, चाहे हरित वातावरण के निर्माण का हो, पेड़ लगाने का हो, पर्यावरण संरक्षण का हो, शराबबंदी का हो, चाहे दहेज उन्मूलन या बाल विवाह के उन्मूलन संबंध में जो कदम उठाए गए हैं, यह पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देगा कि यह बिहार इस महती कार्यक्रम का पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। वहीं समाज सेवी और बजाज शोरूम के संचालक राजू कुमार ने मानव श्रृंखला में भाग लेते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये मानव श्रृंखला के माध्यम से बिहार की धरती से पूरे विश्व को आज एक तरह से ये दिया जा रहा है कि जल जीवन और हरियाली पर हम लोग ध्यान केंद्रित करें, जिस कारण से हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहे, बेटी बचाया जा सके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ, और हर आदमी कम से कम एक आम का पेड़ या कोई छायादार वृक्ष जरूर लगाए, जिससे कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो और पर्यावरण की जब पेड़ लगेगा तो जल जीवन भी स्वच्छ होगा। और हम ये पिछले 3 साल से करीब करीब हम 8,000 से 8,500 आम का पेड़ और कम से कम हम अभी तक लगवा चुके हैं। हम 8,000 शोरूम से गाड़ी जो बेचे हैं हर गाड़ी के साथ एक आम का पेड़ जरूर देते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं जाके लगे और लगने के बाद इससे पर्यावरण सुरक्षित हो। इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। रंजना कुमारी ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और उसे रोकने के लिए आम लोगों को आगे आना होगा। अपने जल और पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्ष लगाना है, जल को इकट्ठा करना है और दहेज प्रथा के प्रति, बाल विवाह के प्रति हम लोग जागरूक करने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। वहीं जल जीवन हरियाली को सफल बनाने के लिए निजी और सरकारी स्कूल के बच्चों में भी खासा उत्साह दिखा। पर्यावरण को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाए हैं और यहाँ पे जो दहेज प्रथा होते हैं उसको रोकने के लिए हमने आज यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाया है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत जगह पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, और हम बस सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। आज हम उन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया इसलिए क्योंकि हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है और ये हम विश्व को बताना चाहते हैं कि पर्यावरण बचाएं और पेड़ लगाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए
हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ह्यूमन चेन बनाए कि पीपल अवेयर हो सके कि हम लोग के लिए ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा पेड़ लगाए जिससे हम लोग को मतलब उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए हम लोग आज ह्यूमन चेन बनाए हैं। सबसे पहले अपने अपने आसपास में स्वच्छ करने के लिए, पानी को स्वच्छ रखने के लिए, और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए, और शराबबंदी को दूर करने के लिए। शराब पीने के कारण बहुत आदमी की मौत हो चुकी है, बहुत को कोई कोई बीमारियां हो चुकी है, उसी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आज? मानव श्रृंखला बना रहे हैं। इस अभियान के लिए भाजपा नेता कुंदन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मानव श्रृंखला के माध्यम से जनजीवन हरियाली के ऊपर हम लोग दे रहे हैं। जिस तरह का आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो हवा जिस तरह से दूषित हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है, और इस तरह से तो नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है पूरे बिहार में। इसमें हरियाली, पेड़ पौधा लगाएंगे, हवा को हम लोग पूरा साफ सुथरा करेंगे लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। और पानी का स्तर जिस तरह ज़मीन के नीचे घटते जा रहा है, हम लोग हर जगह ये व्यवस्था, और ये जो एक रैली, ये जो एक हम लोग ह्यूमन चेन निकाल रहे हैं, ये जागरूकता फैलाने के लिए पूरे बिहार में, कि बिहार हमेशा हर चीज़ में अग्रसर रहा है, और इसके लिए भी जनजीवन हरियाली को भी लेके बिहार सबसे आगे चलेगा। अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय के DIG राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 324 किलोमीटर में ये मानव श्रृंखला बनाई गई। जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, अभी शुरू हो गया है, तो इसमें जल जीवन हरियाली मतलब वातावरण को बचाना है, जल को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, और बाल विवाह और दहेज प्रथा इसका विरोध करना है, और इसके अलावा शराबबंदी का समर्थन करना है। तो ये सब, इन सब बातों को लेकर आज जो यहाँ पर बेगूसराय ज़िले में मानव श्रृंखला बनाई गई है, इसमें लाखों की संख्या में स्कूल के बच्चे, आम लोग, युवा वर्ग सभी इकट्ठे हैं। पुलिस के भी सभी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर हैं, और वो भी मानव श्रृंखला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा मैसेज आएगा, और आने वाले समय में ये एक नेशनल लेवल का मूवमेंट बने, इंटरनेशनल लेवल का मूवमेंट बने। तो मानव श्रृंखला से ये एक दिखाने का इसका मकसद है कि हमें एनवायरनमेंट के प्रति, जल जीवन हरियाली के प्रति, जल है, जीवन है और हरियाली है, तभी हमारी पृथ्वी जिंदा बचेगी, इसी को लेकर हम सभी को संदेश देना है। आपको बता दें कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस मानव श्रृंखला के माध्यम से पूरे विश्व को पर्यावरण के प्रति न सिर्फ जागरूक किया है, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।